और आपके करीबी इलेक्शन पहले आने का क्या मतलब? इलेक्शन से पहले जो होंगे मियां नवाज शरीफ साहब? जी हाँ हाँ, मियां नवाज शरीफ ने फैसला, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आने का फैसला खुद करना है। जो इसका मुल्क है, इस मुल्क में वो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। लास्ट फौज की निगरानी में होने चाहिए, इस सिलसिले में बता दीजिएगा आपका क्या मौका? पहले तो ये तय करो इलेक्शन होंगे और कब होंगे, निगरानी वाली बात बात किया। जी एक 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 मनोनी साहब, बहुत सारी बातों पे आपका तहफुजा है, कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ और जरदारी की जो मुलाकात हुई थी दुबई पे, उस पर आपके अभी भी तहफुजा जो दूर करने हैं, क्या आपके तहफुजा दूर हो गए? दूर हो गए। अच्छा। और जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। मेरा ख्याल में उसको किसी संजीदा मजलिस में जिक्र न किया जाए तो अच्छा होगा। तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। करीब नज़र आ रहे हैं, दूर नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल तो करीब ही नज़र आ रहे हैं, करीब नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह है कि अब हमने तो अपने वक्त पर छोड़ देना है और असम्बली तहलील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निगरान हुकूमत होगी। अब निगरान हुकूमत ने फिर अपने हवाले से सोचना होगा कि वो इलेक्शन के हवाले से कितना मुतमईन हैं, उन्हें कोई टाइम चाहिए नहीं चाहिए, ये फिर उनका मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम तो इलेक्शन में उतरेंगे इंशाल्लाह। आपकी जमात आइंदा मुस्तकबिल में क्या पार्टी या मुस्लिम नून से किसी से इलाफ करेगी, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? सरदस्त तो हमारा उसूली फैसला जो पार्टी का है वो यही है कि हम हर हल्के पे कैंडिडेट लाएँगे, लेकिन हमारे